थेथरा रे थेथरा की करै छी, लाज जूता खाई छी, नीके रहै छी। जितने विरोधी दल के नेता हैं, वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, वो हमारे हेमंत सोरेन हो, पार्टी के विरोधी पक्ष के साहब के विरोध के नेता हैं, सारे लोग तो एकदम स्कैमर हैं, घोटालेबाज हैं, मगर साहब के साथ जो जो लोग गए हैं वो सारे लोग तो वॉशिंग मशीन में डूल जाते हैं। ये अन्याय और जुलुम देश की जनता देख रही है, इतिहास और जनता इलाज करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो साफ हो जाते हैं, एकदम धुआ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो ऐसा साबुन है कि जो भी लोग जाएगा वो वहाँ के साफ होकर के चला जाएगा। आगे खेला बाकी है, जरूर खेला बाकी है, आप लोग देखते रहिए। उन फुलवा सब है, जैसे ही बिहार में सरकार पलटी वैसे ही ईडी को लगा दिया गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कल बयान दिया था कि अभी खेल बाकी है, अभी कुछ और बातें भी हो सकती है, तो उन्हें मौका ना दिया जाए, उन्हें इंगेज रखा जाए, इसके लिए ईडी को लगा दिया गया है। ईडी ने कल समन भेजा था और समन में उन्होंने लालू यादव को बुलाया था। सामने देखिए ईडी दफ्तर है, लालू यादव जी पहुंचे हुए हैं, पूछताछ, लंबी पूछताछ चल रही है और उनके समर्थन में जितने भी विधायक हैं आरजेडी के, कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मीसा भारती, उनकी जो बड़ी बेटी हैं, वो भी साथ में आई थी। ये सारे लोग मंथन कर रहे हैं, लालू यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। लालू जी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो ईडी कार्यालय में हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी नज़र आ रहे होंगे। हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों से बात किया जाए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल ही सरकार बदली है और ईडी को उनके कामों पर लगा दिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस प्रकार से मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है उसको लेके सवाल हैं कि आज से पहले सब कुछ ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईडी ने समन पे बुलाया था लालू यादव जी को और वो उनको दफ्तर में बुलाया गया है बातचीत के लिए। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कल सरकार बदली वैसे ही ईडी को लगा दिया गया उनके कामों पे, नई बात है क्या? नई बात है भाई। जितने विरोधी दल के नेता हैं, वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, वो हमारे हेमंत सोरेन हो, या और भी देश के जो विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष के साहब के विरोध के नेता हैं, सारे लोग तो एकदम स्कैमर हैं, घोटालेबाज हैं, मगर साहब के साथ जो जो लोग गए हैं वो सारे लोग तो वॉशिंग मशीन में डूल जाते हैं। ये अन्याय और जुलूम देश की जनता देख रही है, इतिहास इसका गवाह बनेगा और जनता इलाज करेगी। सर क्या लगता है, जैसे तेजस्वी जी ने कल कहा था कि खेल अभी बाकी है, इसलिए इतनी तत्परता ईडी ने दिखाई है इशारों पे? वो तो हमारे माननीय नेता तेजस्वी बोल चुके हैं, तो उसमें उस क्या बोलना हो, तो उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। हेलो, तो सर क्या कहेंगे, पूर्व मंत्री देखिए चंद्र राम भी हैं, क्या कहेंगे सर, ईडी सीबीआई तंग कर रही है लालू जी को? एकदम निश्चित रूप से, सिर्फ लालू जी को ही नहीं बल्कि लालू जी के पूरे परिवार को, और पूरे परिवार को नहीं बल्कि देश के जितने भी जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं सब पर ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा कसा जा रहा है इस तरह से, जो है कि चाहे जिस राज के जो लोग नेता लोग हों, इसलिए वैसे स्थिति में मान के चलिए। और जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जिन पर सीबीआई, सीडी का, ईडी का जो है कि जांच होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो साफ हो जाते हैं, एकदम धुआ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो ऐसा साबुन है कि जो भी लोग जाएगा वो वहाँ के साफ होकर के चला जाएगा। कल जैसे सरकार बदली उसका कोई कनेक्शन दिख रहा है, इतनी तत्परता ईडी ने दिखाई है, बिल्कुल फ्रंट फुट पे ईडी को लाके खड़ा कर दिया गया है। मैंने नहीं देखा कि राज्यपाल में जो कि थोड़ा सा जो भीड़ भाड़ भी नहीं था, पूरे बिहार में लोगों की खुशियां भी नहीं था, खास करके युवा बहुत निराश हो चुके हैं, युवा जो है कि बिल्कुल नाराज हैं। जिनको युवा को वादा किया था तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो कि हम जो है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिस लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया, कल तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया वो बयान से अब कुछ हमको बोलने के लिए बच नहीं है। तमाम चीज़ जो है कि एक एक करके उन्होंने बताया है, इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल परिवार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा और युवाओं की नौकरी के लिए सरकार से लड़ने का काम करेगा और लोगों को गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर लोगों को बताने का काम। अभी सर 24 में जो चुनाव है उसको लेकर जो सरकार बदली हुई है बिहार में,
आपके एक तरह से चेहरे थे नीतीश कुमार, उसी को ले गए मोदी जी, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डरी हुई है और डर कर करके जगह जगह पर खोज रहा है, और खोजने के बाद लोगों को पकड़ पकड़ कर करके ले, कभी किसी को ईडी का भय दिखाता है तो सीबीआई का भय दिखाकर लोगों को अपने तरफ प्रभाव, उससे कुछ नहीं है। खासकर बिहार की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और तमाम बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मुकेश यादव जी हमारे साथ में होंगे, विधायक हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता है, क्या कहेंगे? लगातार जो ईडी का समन चल रहा है, पूछा चल रही है, जानबूझ के तंग किया जा रहा है लालू जी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, खास करके गरीबों की आवाज़ बनकर लालू जी ने हमेशा लड़ाई लड़े, सबसे दबे कुचले और वंचितों के अधिकार के लिए हमेशा लड़े। इसीलिए वो अपने लिए नहीं, गरीबों के अधिकार के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए उनको बेवजह ईडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग हैं साजिश रचकर हमेशा आदरणीय नेता को तंग करने का काम करती है। क्या लगता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये सब जो है सरकार के अंग बन चुके हैं? पूरी तरह सरकार के इशारे पर काम करते हैं और गरीबों का आवाज नहीं बन सके, इसलिए जो आजकल खास करके बिहार में जो 17 साल बनाम 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो रोजगार की बात कही, युवाओं को रोजगार देने की सरकारी नौकरी की, उस पर उन्होंने अमल किया, करीब 4.5 लाख करीब युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया, सभी क्षेत्र में वो व्यवस्था किए, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा बिहार। ये सब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को चुभने लगा, खास करके अब भारतीय नौजवानों के बहुत दुख है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार से हटे हैं तो नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान उदास है और सब लोग चुनाव में इसका बदला जरूर लेंगे। क्या लगता है कल जो जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने कहा कि खेल अभी बाकी है, क्या इसको लेके बेचैन हो गई बीजेपी और ईडी को सामने कर दिया? एकदम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू जी से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी फैल रहती है, पूरे देश में एक ही ऐसा नेता है जो अपने सिद्धांत से समझौता कभी नहीं किए हैं, उसूल से समझौता नहीं करते हैं न करेंगे। खेल बाकी है अभी बहुत, हमारे नेता है, नेता जो करेंगे, हम लोग नेता के साथ है एकदम सैदी से, बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बेरोजगार सब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हैं। जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, खेल बाकी है मतलब बाकी है? नहीं, तेजस्वी जी जो कहते हैं से करते हैं। तेजस्वी जी ने वादा किया 10 लाख सरकारी नौकरी को, जब सरकार में आई तो मुख्यमंत्री से, उनके पहले भी सरकार थी, मुख्यमंत्री पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया, और कहते हैं सो करते हैं, हमारे नेता कहे हैं आगे खेला बाकी है, जरूर खेला बाकी है, आप लोग देखते रहिए, कुछ न कुछ जरूर होगा। देखिए, मीसा भारती जी जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, वो भी बैठी हुई हैं और इंतजार हो रहा है, लालू जी से पूछताछ हो रही है, और तमाम विधायक आरजेडी के यहाँ पे मौजूद हैं, ईडी गेट के सामने में मौजूद हैं, और देखिए बड़े बड़े चेहरे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे। हम बात कर, देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुँच चुके हैं, और जो ईडी और सीबीआई की जो विश्वसनीयता है वह कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। सरकार किस प्रकार से अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है, उसकी वानगी कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही ईडी समन भेजना शुरू कर देती है, लैंड फॉर जॉब स्कीम। जब सरकार में थे तेजस्वी यादव जी, उस वक्त के ईडी के रवैये को देखिए, और अभी जैसे ही बदली हुई है सरकार की, ईडी जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दी है। देखिए तमाम नेता यहाँ पे जो है आरजेडी के वो आ रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उदास भी हैं और गुस्से में भी हैं कि ईडी सीबीआई जिस प्रकार से सरकार के अंग के तौर पे, सरकार के प्रवक्ता के तौर पे, सरकार के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं नाराजगी है। उसी से हम बात करने का और प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर जिस प्रकार से ईडी ने सरकार बदलते ही समन भेजा, तो सरकार के कार्यकर्ता प्रवक्ता के तौर पर ईडी काम कर रही है? ये जो पब्लिक है सब जानती है, आप पटना में यही अभी गांधी मैदान चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, आम आदमी की राय लीजिए और उसको चलाइए कि क्या उनकी राय है। पहले सर ईडी सीबीआई छापे मारते थे ना, तो जनता के नजर में नेताजी चोर साबित, भ्रष्टाचारी साबित हो जाते थे। अब जो है जिस नेता पर ईडी सीबीआई छापा मारती है, जनता को लगने लगता है कि अरे ये सबसे अधिक ईमानदार है, इसलिए इस पर तंग किया जा रहा है। ये परसेप्शन मोदी जी ने बदल दिया ईडी सीबीआई का।
परसेप्शन बदल दिया, बहुत सारा चीज बदल दिया उन्होंने। अब ऐसा है कि अगर राम राज की कल्पना उनकी यही है तो ये राम राज तो उन्हीं को मुबारक हो, आई उनको मुबारक है भी। इसका जो है इसका, अरे राम राज का मतलब है बिना भेदभाव, बिना अन्याय, बिना ऊंच नीच के जो है काम करना, समझा गया। मगर पॉलिटिकल पार्टी जिससे किसी भी तरह का मतभेद हो या नीतिगत भिन्नता हो तो उसको तो बस वो हो गए चोर, ये हो गए इनके यहाँ जितना तुम फुलवा सब है वो सब बड़ा ठीक है। क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा था कि खेल अभी बाकी है, इससे बीजेपी डर गई है और रातों रात जो है लालू यादव जी को समन भेज दिया गया? भाई बात असल क्या है कि उन्होंने भेजा ना भाई, डरी हुई है बीजेपी का डर है ईडी को आगे करना। अब डरी है नहीं है, हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, लाज जूता खाई छी नीके रहे छी, बुझा ना। वही क्या कहेंगे सर जिस पर सरकार बदलते ही ईडी घर पे चढ़ गई? भाई वो एक पार्टी का वो प्रकोष्ठ है, तो प्रकोष्ठ अपने मूल संगठन की बात मानेगा ना। जैसे हम लोग के यहाँ कई प्रकोष्ठ है, तो प्रकोष्ठों को जो निर्देश करते हैं प्रकोष्ठ अपने कार्यक्रम बनाती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ईडी प्रकोष्ठ है, आईटी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है, तो वो प्रकोष्ठ ही है। तो वो प्रकोष्ठ अपने मूल पार्टी मूल नेता के निर्देश पर काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसे पता चलता है कि जो भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं वो कितना संवेदनहीन है कि संवेदनशील है, इस घटना से उनको एहसास हो जाए। कर लीजिए आप खुद तय कर दिए। ये लोग जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये भाजपा के कार्यकर्ता के तरह काम कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि ये प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ है। जैसे हम लोग के यहाँ युवा प्रकोष्ठ है, वैश्य प्रकोष्ठ है, छात्र प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, उसी तरह उनके यहाँ ईडी प्रकोष्ठ है, आईटी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है। मीसा भारती भी अब कुछ कहना चाह रही है, मीडिया से बात करेंगे। देखिए मीसा भारती कैमरों में आप देख सकते हैं, लालू यादव की बड़ी बेटी पाटलिपुत्रा से वो लगातार चुनाव लड़ती रही हैं और लालू यादव बेहद करीबी हैं। यहाँ देखिए मीसा भारती जी जो है यहाँ निकली हैं और लालू यादव जी ईडी के पूछताछ के बाद बाहर निकले हैं, उन्हीं से मिलने के लिए मीसा भारती जी जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से ईडी का खेल चला है बिहार में, उसको लेके आरजेडी। यहाँ देखिए लालू यादव जी ईडी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं और मीसा भारती जी उनसे मिलने के लिए निकल चुकी हैं। देखिए यहाँ तमाम कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता, प्रवक्ता, सीनियर लीडर, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ईडी का ये कार्यालय है, देख लीजिए। और जैसे ही सरकार बदलती है ईडी को लगा दिया जाता है। ईडी ने लालू यादव को समन भेजा था, बीमार चल रहे हैं लालू यादव, फिर भी इसका ख्याल नहीं रखा गया और उनको जो है ईडी ने अपने दफ्तर तक बुलाया है। आज सुबह से ही लालू यादव जी दफ्तर में आए हैं और पूछताछ उनसे चल रही है। उनके साथ तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहां पे मौजूद हैं। मीसा भारती जी भी साथ में है, जो बड़ी बेटी है उनकी, वो भी आई हुई हैं। और जिस प्रकार से ईडी को लगा दिया गया है, एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के पार्टी की सदस्यता ईडी सीबीआई ने ले रखा है? जैसे ही इशारा मिलता है वो कूद पड़ते हैं मैदान में। और एक और खास बात है कि जिस प्रकार से तेजस्वी ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, उस खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए, उस खेल को निरस्त करने के लिए, कमजोर करने के लिए बीजेपी ने ईडी की चाल चली है और ईडी को एक्टिव कर दिया गया है। और ये देख लीजिए कि ईडी कार्यालय सामने है और लालू प्रसाद यादव जी अंदर में, उनसे पूछताछ हो रही है और काफ़ी 2-3 घंटे हो गए उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हम तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।